Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course or provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer-sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants. Provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Friday evening with Farah के साथ मैं फरा मोहम्मद हूँ कि आप लोग सब मुझे पता है आप बिल्कुल खुश होंगे कि आज के दिन का आप बहुत वेट करते हैं हमारे प्रोग्राम का बहुत वेट करते हैं कि फरा के साथ आज कौन से गेस्ट आने वाले हैं कौन सी ऐसी बातें होने वाली हमारे लिए फायदे की बातें होने वाली हैं तो जनाब आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी गेस्ट हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है यूनाइटेड किंग ने और एक और हमारे साथ स्पॉन्सर है जितनी भी खवातीन है वो खुश होने वाली है क्योंकि हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया कोरामी ब्यूटी प्रोडक्ट ने ब्यूटी प्रोडक्ट भी है और आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट को जो लेकर आई हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है आप सबकी जानी मानी डॉक्टर हैं आप सब उन्हें जानते हैं बहुत अच्छी डॉक्टर हैं टेलीविजन पे नज़र आती हैं हर वक्त नज़र आती हैं और आपके इलाज भी बहुत अच्छा करती हैं तो हम उनसे सारी डिटेल पूछते हैं कोरामी के बारे में कि ये कौन से प्रोडक्ट हैं किस तरह से वॉच करते हैं और कौन कौन से इसके अंदर रेंज आई हुई है मेरी और आप सबकी प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील जो कि हर्बलिस्ट हैं नेचुरोपैथ हैं वो हमारी आज की गेस्ट हैं अस्सलाम वालेकुम उम्मे राहील वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है मैं बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया बहुत दिनों से हम आपका टाइम दे रहे थे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं तो आप टाइम देने में आपने थोड़ा सा लेट किया लेकिन आपके जितने भी फैंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है पूरी दुनिया में है वो थोड़ा सा नाराज हो रहे थे कि उम्मे राहील जो है वो वक्त नहीं दे रही लेकिन आज वो खुश हो गए कि आप हमारे पास आ रहे हैं नहीं वेलकम आपने याद रखा बुलाया आपकी मोहब्बत है कि इतना प्रोग्राम करते हुए और अपने इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर उसमें से मेरे लिए जगह निकालने की तुम्हारी मोहब्बत है और वो तमाम लोग तो देखना चाहते हैं उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं जब भी प्रोग्राम कर रही हूँ हमें आई थिंक 3 महीने 3.5 महीने हो चुके हैं बहुत सारे गेस्ट मेरे साथ आए इससे भी ज़्यादा हमने तमाम लोगों के साथ प्रोग्राम किए उसमें निदा यात्री भी है दिनेश भाई के बेटे भी हैं उसके साथ बहुत सारी टीवी के आर्टिस्ट भी हैं हमारी डॉक्टर्स भी हैं और वसीम बदामी भी बहुत सारे लोग हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि जितने मेरे सराउंडिंग में मेरे फ्रेंड्स हैं मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को इन्वाइट करूँ क्योंकि जब अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है तो आपको सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए उनको देखना चाहिए ये अल्लाह ताला की एक आजमाइश भी होती है बहुत सारे लोगों को मेरा आई होती है कि अल्लाह आपको मौका देता है तो वो कहते हैं कि नहीं जो मेरा करीब है उसको तो पहले कटाओ दूसरों को लेकर आओ लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है यहाँ तक कि सदका खैरात या फिर आपको अगर मदद भी करनी होती है तो सबसे पहले हुक्म है अपने घर वालों का करें उसके बाद बाहर का करें घर में कोई दुखी हो तो फिर आप बाहर ना करें तो इसकी हमेशा से आदत रही है कि मुझे अल्लाह ने कोई मौका दिया तो मैं अपने लोगों को बहुत याद रखती हूँ और बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी इसको परसू करूंगी और उनको लेकर आऊंगी तो मेरा ही सबसे पहला सवाल कि आपको मीडिया में आते हुए क्योंकि लोग आपको मीडिया में देखते हैं ज्यादा फिर हम आगे अपनी लिस्ट को लेकर चलेंगे सवाल आपकी कितना अच्छा हो चुका है मुझे अराउंड 6 ईयर्स हो गए 6 साल हो गए इस वक्त पूरे 6 साल बहुत ज्यादा मैं पुरानी नहीं हूँ तुम लोगों के आगे तो बच्चा वैसे मतलब इन मीडिया जो है तुम लोगों के आगे बच्चा हो लेकिन बहुत जूनियर हूँ तुम्हारी अराउंड 6 ईयर्स हुए मुझे यहाँ पे मीडिया में काम करते हुए बाकी अपनी प्रैक्टिस करते हुए बाकी और चीजें करते हुए तो मुझे अराउंड 20 ईयर्स हो चुके हैं देखिए ये इस बात को आपने साबित किया कि ये जरूरी नहीं होता कि आप जो है बहुत अच्छा काम करें तो क्वालिटी काम करें कम काम करके भी क्वालिटी काम दे सकते हैं ये जरूरी नहीं होता कि आप बहुत अच्छा लगा ले और कुछ भी ना करें ये जरूरी नहीं होता है अच्छा मैं जिन जिन को जानती हूँ चाहे मेरी फ्रेंड्स हैं दूसरे भी हैं मेरी फ्रेंड्स हैं जैसे कि मैं अभी नाम लेना जरूर पसंद करूंगी जैसे कि बिल्कीज भी हैं उम्मे राहील भी हैं दूसरे हकीम साहब भी हैं
हम जब मिलते हैं, हम आप लोग बहुत पुराने हो, हम भी काम कर रहे हैं, तो बड़े डाउन टू अर्थ, जैसे लगता है आज से स्टार्ट किया है काम, आप भी देखिए हम भी देखते हैं, क्योंकि वो जो नए नए आकर उनका दिमाग जो है काफी आसमान में पहुंच जाता है, उन लोगों को देखती हैं आप, जरूर देखती हैं, तो क्या सोचती हैं वो लोग? मैं ये सवाल सारे गेस्ट से पूछती हूँ, क्या ख्याल है? नहीं ऐसा, फरा ने इतना सिखा दिया है मीडिया में, फरा मेरी टीचर है और स्टिल टीचर है, इसलिए बहुत सिखा दी है। मैं शुरू में आई तो मतलब कहते थे मुझे कोई आर नहीं है, मैं बड़ी स्टूपिड, बड़ी बेवकूफ सी थी और इतने ब्लंडर करती थी बेवकूफी वाले ना, फिर फरा समझाती भी थी, हम दोनों साथ साथ जाते जब भी शो होता है। तो फरा ये बताओ, मैं जो तुमने बात की बहुत अच्छी, बहुत ही गहरी बात है कि लोग मतलब इन इजी वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो लोग अपनी औकात भूल जाते। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है और जिसको चाहे वो इज्जत देता है, नाम देता है, पैसा देता है, ये सब अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह के काम है। हमें उसकी अता पे शुक्रगुजार होना चाहिए और जितना हम अपने अंदर आजिज़ी पैदा करेंगे, ये हमारी शुक्रगुजारी का एक अंदाज है कि जब हम अल्लाह के आगे शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें इतने लोगों में से चुन के इस काबिल बनाया कि उन लोगों से एक अच्छा मुकाम, उन्हें पहचान दी। अगर हम अपने अंदर रऊनत पैदा कर लेते हैं या एटीट्यूड ले आते हैं जो के बनता नहीं है, इसलिए कि वक्त का पहिया घूमता रहता है, आज जो ऊपर है वो कल नीचे, साइकिल चलता है तो दुनिया चलती है, लिहाजा हमें अल्लाह की अता का शुक्र गुजार होना चाहिए और डाउन टू अर्थ इसलिए रहना चाहिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगता, कौन अर्श पे है कौन फर्श पे है, तो बुरे वक्त को मतलब आते टाइम नहीं लगता, लेकिन ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे जब मुश्किल वक्त आए तो कोई आपके साथ खड़ा ना हो। लिहाजा तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और शुक्र गुजारी के साथ चलना चाहिए। बेशक बेशक, बहुत अच्छी, बहुत गहरी और बहुत प्यारी बात माशाल्लाह से। अच्छा देखिए, जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ ना तो लोग बड़ी दुखी बातें पूछते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि दुख को पीछे रखने देना चाहिए, उसे सबक जरूर सीखना चाहिए, लेकिन पीछे कर देना चाहिए, दुख को देखते रहेंगे तो आगे की खुशियां हमें मिल नहीं सकती है। तो मैं खुशियों के बारे में ज्यादा सवाल करती हूँ, खुशियों के बारे में ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, उनको सीख के, उनको सबक हासिल करके वो आगे बढ़ता है। माशाल्लाह आपने बहुत सक्सेस हासिल की, मैं आपको जानती हूँ, बहुत पुराना जानती हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आप जानते हैं कम फ्रेंड्स हैं लेकिन अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम मिलते काम में बात हम करते हैं लेकिन दिल से इज्जत भी करते हैं। तो आपने भी बहुत सक्सेस हासिल की, तो उसमें बड़ी परेशानी आई होगी, तकलीफ आई होगी, क्या सोच के आपने जो कुरामी प्रोडक्ट है वो निकाला? और कुरामी मुझे तो पता है क्या रेसिपी है, लेकिन लोगों को बताएं कि कुरामी जो है क्यों नाम रखा गया और उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों आपने ये प्रोडक्ट का सोचा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए, तुमने जैसे कहा कि परेशानियां आती हैं और ये डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के और उसे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि क्या हुआ, कैसे स्टार्ट किया, बट कुरामी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। डिफरेंट ब्रांड्स चल रहे होते हैं, कुरामी जिसे आपको पता है कि क्या है, कुरामी जो है यूँ समझ लो कि काम मेरा है, प्रोडक्शन है और क्लिनिक्स कर रही हूँ। बच्चे सबको प्यारे होते हैं लेकिन शायद मैं बच्चों के गिर्द घूमती हूँ और कुरामी जो है स्टैंड करता है मेरे बच्चों के नाम के ऊपर, कोमल राही मिशी, कोरामी, तो उस पे मैंने जो है अपने प्रोडक्ट का नाम रखा था। और पहले मैं बहुत अच्छा एक ब्रांड चलाती थी और कुछ ऐसे मामला थे, वो ब्रांड ख़त्म हो गया था, छोड़ दिया था हालात की वजह से। तो फिर मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने मुझे दोबारा मतलब एक सपोर्ट की कि आपने करना है। तो जब दोबारा हमने स्टार्ट किया प्रोडक्शन तो ना फिर मैंने कोरामी बहुत सोच के रखा कि क्या रखूँ, इसलिए कि मुझे किसी चीज़ के ऊपर समझ ही नहीं आता, मैं जहाँ से शुरू करती हूँ जो शुरू होती है और स्टार्ट एंड एंड जो होता है मेरे बच्चों से शुरू के बच्चों पे खत्म, तो फिर कोरामी रखा था। अच्छा, कोरामी रखने के बाद जब उसको सर्च किया तो इट्स अ कोरियन वर्ड और उसके मतलब होते हैं इट जस्ट फॉर यू, ये भी अल्लाह का एहसान है कि उसे एक मीनिंग भी निकल आया, वरना मैंने कोई मीनिंग नहीं सोचे थे। मैं तो सिर्फ ये सोचा था कि कोमल राहिल एंड मिशी उन बड़े तीन बच्चों के नाम के ऊपर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी थी। अच्छा, माशाल्लाह, क्योंकि ये तो मुझे पता था बहुत पहले ही, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको देख पाते हैं, तो उनको पता लगना चाहिए कि किसी भी चीज के पीछे एक गहराई होती है, एक सोच होती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो
हर चीज जैसे कि मैं बार बार बताती रहती हूँ कि स्क्रीन पे जिस तरह से नजर आते हैं, कोई भी नजर आता है तो आपसे पिक्चर देख कर स्क्रीन पे देख के उनकी पूरा का पूरा बायोडाटा निकाल लेते हैं अपने दिमाग से, सोचती है ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, सोच होती है, हर चीज होती है। तो खुदा के वास्ते किसी की तस्वीर देखकर स्क्रीन पे देखकर उसको आप बैक कमेंट्स ना किया करें, पहले देखें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये तमाम लोगों के लिए मैसेज है जो हम लोग देते रहते हैं। अच्छा, आप खवातीन जो है ब्यूटी प्रोडक्ट की तो बड़ी शौकीन होती है, मैं भी बड़ी शौकीन हूँ, पूछती रहती हूँ आप लोगों से कि भाई मुझे बताएं कि मेरी स्किन टू टोन क्यों हो रही है, मैं धूप में गई तो सनटैन हो गया, तो मुझे ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता है कि जब गर्मियाँ उरूज पे होती है, आने वाली हैं, सनटैन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, टू टोन स्किन हो रही होती है और अपन पोर्स हो रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कोई झटपट वाला, जैसे कि मैं तो झटपट वाली बंदी हूँ ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि लगाया तो थोड़े दिनों में सही हो जाए? कोरामी में कौन कौन से प्रोडक्ट? हाँ जी, कोरामी में काफ़ी बड़ी रेंज है और हमारे पास डिफरेंट टाइप के वॉशेज हैं, जेल्स हैं, फ्लोरल एसपीएफ है। आपने सनब्लॉक सुना होगा, आपने भी बात की सन टैनिंग की, टू टोन स्किन की। तो जब हम सन टैनिंग की बात करते हैं तो सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारी रेंज के अंदर जो है ना फ्लोरल एसपीएफ है, सनब्लॉक बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब मैंने रिसर्च की थी, टीम ने रिसर्च की थी, तो हमने जो है जो सनब्लॉक तैयार किया था वो फूलों से तैयार किया था। इससे कि डिफरेंट बेसिस होती हैं केमिकल, लेकिन हमारे सनब्लॉक की खास बात ये है कि इसमें तकरीबन 10 तरह के डिफरेंट फूल हैं, फ्लावर्स मौजूद हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के देन उसको जो है हमने सनब्लॉक में कन्वर्ट किया एक्सट्रैक्ट को, और ये बहुत ही माइल्ड है और इसमें नॉन ग्रीजी है अगर आप इसको लगाते हैं। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इसमें हमने कोई ऐसा एसपीएफ नहीं रखा है कि बहुत ये स्किन लगा सकती है, इसको हर कोई लगा सकता है, हर वेदर में लगा सकते हैं, हर कंट्री में लगा सकते हैं, और छोटा बड़ा मतलब बच्चे बड़े सब लगा सकते हैं, और इसको किचन में भी आप लगा के जा सकते हैं और लगाना चाहिए। ऐसे कि नॉर्मली होता है खवातीन किचन में काम करती हैं तो सनब्लॉक यूज़ नहीं करती हैं, उससे क्या होता है कि उनकी स्किन में गर्मी है, तपिश होती है, रेड होती है, रेड के बाद ब्लैक हो जाती है, तो सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे झटपट की बात की तो हमारे जो जेल है, सिल्वर जेल और गोल्ड जेल, उसकी खास बात यह है कि सोना और चांदी, खवातीन सोने पहनने की बहुत शौकीन होती हैं, लेकिन अगर सोना लगाती हैं तो चेहरा सोने की तरह चमकता भी है, इसलिए कि गोल्ड और सिल्वर की खास बात ये अगर प्योर है तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और पेनिट्रेट करके ब्लड का हिस्सा बनता है, देन वो आपको रिजल्ट देता है, आपको एक रेडिएंट लुक देता है, ग्लोइंग स्किन आपकी हो जाती है। अगर आपकी इस एज 25 साल से कम है तो आप सिल्वर जेल यूज करेंगे, सिल्वर जेल जो है प्योर चांदी के साथ बना है, जैसे आप लगाएंगे जो सिल्वर के चांदी के जो पार्टिकल्स है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे, ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे, देन वो आपकी स्किन को जो है बैक्टीरिया फ्री करते हैं एंड आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, हिद्दत होती है, उसको ख़त्म करते हैं। जिनको एक्नी हो रही होती है, सोराइसिस है या स्किन सेंसिटिव है, उसको नॉर्मल करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, दाने भी ख़त्म होते हैं, निशान भी ख़त्म होते हैं सिल्वर जेल से। 25 साल के बाद हमें ज़रूरत होती है एंटी एजिंग की, हमारी स्किन में फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, कोलाजन हमारा ख़त्म होने लगता है, तो फिर हम सिल्वर जेल की जगह गोल्ड जेल लगाते हैं। गोल्ड जेल का भी एक है, डेली आपने मसाज करना है, ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे, स्पेशली जो है एट बेड टाइम सोने से पहले, तो उसका क्या होता है कि जब आपकी ब्लड के अंदर शामिल होता है तो आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सिर्फ सर्कुलेशन जब बढ़ती है तो आपकी स्किन बहुत चमकदार और फ्रेश हो जाती है, कोलाजन बनता है, स्किन आपकी फर्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन गोल्ड जेल के लिए एक खास बात बता दूं, स्किन आपकी बड़ी जल्दी यंग एंड फ्रेश हो जाती है, बहुत अच्छी चमक आ जाती है, फाइन लाइंस रिंकल्स खत्म होना शुरू हो जाती है। बट वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनके स्किन पे दाने बहुत निकलते हैं, वो गोल्ड जेल नहीं लगाएंगे, बाकी तमाम लोग गोल्ड जेल लगा सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि नेचुरली स्किन लिफ्ट रहे और फ्रेश रहे, यंग रहे, हेल्दी रहे, उनके लिए गोल्ड जेल इंतहाई इफेक्टिव है। और ये तकरीबन जिसे कहते हैं ना कैरेट्स होते हैं गोल्ड के, तो ये 24 कैरेट गोल्ड है इसके अंदर और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए इसकी खास बात पहचान नहीं होगी जब हम कोई भी गोल्ड या सिल्वर की चीज लगाते हैं, जब हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, देन मसाज करते हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं अगर वो दो नंबर होगा या मिक्सिंग होगी तो आपकी स्किन के अंदर पन्नी सी बन जाएगी, और अगर प्योर होगा तो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, आपको खुद फील होगा कि जो गोल्ड या सिल्वर आप लगा रहे हैं वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो रहा है। तो उसको जरूर ट्राई कीजिए, ये दोनों सिल्वर एंड गोल्ड जो है आपकी स्किन को बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट रिजल्ट देते हैं। अच्छा, मैंने एक देखा था व्हाइटनिंग टेबलेट देखा था, उसको किस तरह से यूज करते हैं, व्हाइटनिंग टेबलेट के बारे में कुछ बताएं?
अच्छा, हमारे ध्यान में होता है कि मार्केटिंग अभी टैबलेट सिर्फ वहां पे? खाने, हाँ जी एग्जैक्टली हाँ खाने है, लेकिन हमने जो हाँ तैयार की टैबलेट मास्क हमने तैयार किया है, और ये जो मास्क है वाइटनिंग मास्क है, और ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सारी चीज़ें इसमें राइस फ्लावर है, इसके अंदर जो है आपका जो ड्राई मिल्क है, इसके अंदर चिरौंजी है, इसके अंदर बादाम है, इसके अंदर विटामिन सी है, ये तमाम प्योर फॉर्म में इस्तेमाल किए गए हैं। और इसको टेबलेट फॉर्म में करने का मकसद सिर्फ ये था कि इजी टू कैरी हो जाए। स्टूडेंट्स होते हैं या कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपने बैग में इसको रख लिया है, जितना आपका आपका ट्रैवलिंग है या आप कहीं जा रहे हैं, तो आपके बैग में आपके ट्रैवलिंग किट के अंदर जो है ये मास्क टैबलेट आ जाएगी, और इसको इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दूध में या पानी के साथ इसको मिक्स करना, ये डिजोल्व हो जाएगा, देन इसको अप्लाई कर लेना। मतलब आपको पूरा जार या आपको पूरा जो भी होता है पैकेट उठा के नहीं जाना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इस मास्क को एज अ टैबलेट रखना आसान होता है। आपने इसको रखा है, इसको दूध में मिला लें, आप इसको चाहें तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो आप इसको हनी में मिला लीजिए, नहीं तो रोज वाटर में मिला लें, ये डिजोल्व हो जाएगा। इसको आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करके जो है 20 मिनट्स छोड़ना है, 20 मिनट्स के बाद इसको वॉश ऑफ कर लेना। इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट देता है, ऑयल को बैलेंस कर, खत्म नहीं करता है, बैलेंस करता है, इसलिए कि ऑयल की बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, खत्म होना जरूरी नहीं होता है। बैलेंस करने के साथ आपकी स्किन को फ्रेश एंड फ्लॉलेस एक लुक देता है। इसको अगर रूटीन केयर में इस्तेमाल करना चाहें तो ट्वाइस या थ्राइस अ वीक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत स्पॉट्स हैं, बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो 1 वीक आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे, देन इसको जो है अल्टरनेट डे, एंड उसके बाद 3rd वीक जो है आप ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक्सीलेंट इसका रिजल्ट मिलता है। बहुत जबरदस्त चीज़ है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई थी और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने आपके प्रोडक्ट में एक सप्लीमेंट भी देखे हुए हैं, तो सप्लीमेंट के बारे में बताएं कि वो किस किस चीज़ के लिए, बालों के लिए यूज कर सकते हैं या फिर हम अपना उसे इंटेक कर सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए है? अच्छा, ये बताओ पर ये सप्लीमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि आप मतलब माशाल्लाह शेफ भी हो तो आपको पता होगा कि हमारी जिंदगी में जो है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मतलब खाना, डाइट अच्छी नहीं है तो आपको कोई चीज लगाने का फायदा नहीं। आप दुनिया की कीमती से कीमती चीज लगा लो, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपका प्रॉपर इनटेक नहीं है वेजिटेबल्स का एंड फ्रूट्स का, तो आपको कोई चीज फायदा नहीं देगी। तो इसके लिए जो सप्लीमेंट है, ये ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, ये डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है ना डिहाइड्रेट करके प्योर फॉर्म में हमने इसको पैक किया है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। अगर आप उसे कहती है कि जी उमेराइल, या किसी क्लाइंट को कहती है कि जी आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके बाल खराब हो रहे हैं, आप 2 किलो रोजाना पालक खा लें, कोई भी नहीं खा सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना कि 2 किलो पालक खाना है, 1.5 किलो आपने गाजर खानी है, या बीटरूट आपने रंग गोरा करना है, ग्लूटाथायोन आपको नेचुरल सोर्स चाहिए, तो आप रोजाना तकरीबन जो है 1 किलो जो है बीटरूट इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो कोई भी नहीं कर सकता, नामुमकिन सी बात है। जब हम इसको डिहाइड्रेट करके इसको कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सिंग करके, इसमें वाइटनिंग भी है, इसमें हेयर ग्रोथ भी है, इसमें आपका हाइट ग्रोथ भी है, जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो लोग बहुत वीक है उनके लिए भी, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, बट इसकी जो सोर्स है ये प्योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है इनको डिहाइड्रेट करके डिफरेंट रेशो में एक कॉम्बो बनाया गया है हर तरह की प्रॉब्लम के लिए। तो यूँ समझ लें कि जो बच्चे, जैसे तुम बच्चों के लिए बता रही होती है कि इस तरह खिला दो, इस तरह खिला दो, तो सिंपल ये कि अगर बच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहा तो जस्ट 1 टीस्पून, अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 टीस्पून, और अगर तकरीबन 8 साल से बड़े हैं तो 1 टेबल स्पून डेली देना है, किसी जूस के साथ मिक्स करके, दही में मिला के, सैलेड में डाल के, या सिंपल पानी के साथ, तो आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वाइटामिन की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, वो आपको इसके थ्रू मिल जाते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत इजी आपने एक वे निकाला है, क्योंकि हमारे खाने पीने के बड़े मसले होते हैं, या तो कुछ लोग तो बहुत खा रहे होते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते हैं। बैलेंस डाइट जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। मैं इतनी ज्यादा डाइट करने वाली बंदी हूँ, करती हूँ तो बहुत डाइट करती हूँ, अगर मेरी पसंद की कोई चीज बन जाए तो फिर मैं अपनी डाइट सारी भूल जाती हूँ कि मुझे कौन सी डाइट, इसलिए वजन जो है वेट फौरन से बढ़ जाता है। मेरे लोगों के लिए वेट के लिए कुछ आपने बनाया है सारा, ब्यूटी के लिए या सप्लीमेंट के ही बनाया है, वेट के लिए भी तो कुछ बताएं। मैंने सुना है कि आपने बड़ी अच्छी कुछ दवाई बनाई हुई है, इसके बारे में डिटेल्स बताएं, लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज के बारे में। अच्छा, मैं बताऊं कि वेट मतलब प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी ना, मुझे जानती हो कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स तो बहुत लंबी रेंज होती है, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है वो वेट
पिगमेंटेशन एंड वुमेन प्रॉब्लम जो है, वुमेन्स प्रॉब्लम लाइक इनफर्टिलिटी वगैरह, उसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करती हूँ. तो वेट हमारा सबसे ज़्यादा मेन फोकस्ड एरा है कि लाइक वेट के लिए डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अर्कियात हैं, हमारे डिटॉक्स वाटर बहुत ज़बरदस्त है. वो तमाम लोग जिनका वेट स्टक हो गया उसके लिए हम डिटॉक्स वाटर देते हैं. एक हमारा डार्क होता है लाइक ब्राउन कलर में होता है, एक हमारा वाइट होता है, ये डिफरेंट कंडीशंस में दे रहे होते हैं. उसके अलावा हमारा ओबेसिटी पाउडर, गो के वेट एकदम से लूज नहीं करना चाहिए, उसको ग्रेजुअली डाउन करना चाहिए ताकि आपकी स्किन लूज ना हो. लेकिन फिर भी हमारा ये होता है कि जब शादी आ गई, कोई फंक्शन, हमें फौरी तौर पे वेट को कम करना होता है. उसके लिए हमारा ओबेसिटी पाउडर एक्सीलेंट है कि आप दिनों के अंदर केजीज गिरा सकते हैं सिर्फ आपने, लेकिन डाइट को आपने कंट्रोल करना है एंड थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है. उसके अलावा जो है हमारा वेट सप्लीमेंट भी, ऐसे कि हर कोई दवा पे नहीं जाता, लोग घबरा रहे होते हैं कितनी दवाएं खाएंगे, ये हम नहीं खाना चाहते. उनके लिए जो है हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं कि सप्लीमेंट एक फूड सप्लीमेंट है जो कि आपका वेट कम करता है. और अगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी चाहिए तो फिर उसके लिए हमारे क्लिनिक में ड्रिप्स भी होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं जो कि इंचज एंड आपका जो फैट डिपॉजिट फैट होता है उसको खत्म करना होता है. जबरदस्त. अच्छा, आपका क्लिनिक भी रन कर रही है माशाल्लाह से, आपके पास बहुत अच्छी डॉक्टर्स भी होती हैं, डॉक्टर नाम का मैं नाम लेना जरूर चाहूंगी, बहुत ही अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर है. आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद यूज किए हुए हैं, वो बहुत जल्दी वर्क करते हैं. आप क्या सजेस्ट करती हैं, इंजेक्ट करना स्किन को ज्यादा अच्छा होता है या फिर आप प्रोडक्ट को लगाएं वो ज्यादा अच्छा होता है? क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत शौक होता है बोटॉक्स करवा लें, फिलर करवा लें, हमारी जितनी भी लाइन है उसको हम किल करवा लें, फटाफट करवा लें, तो वो ज्यादा सेफ साइड रहता है या फिर प्रोडक्ट को यूज करना सेफ साइड रहता है? क्योंकि आपका प्रोग्राम हर एज ग्रुप की खवातीन और हजरात, अब तो हजरात भी करते हैं वो देख रहे हैं, एज अ डॉक्टर उनको. अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मसला ये होता है कि अपना ख्याल रखना अच्छी बात है और रखना चाहिए. प्रोडक्ट आपको यूज़ लाजमी करनी चाहिए और शुरू से करनी चाहिए. देखो, प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं उसके रिजल्ट जो है ना स्लोली एंड ग्रेजुअली आते हैं. ऐसा नहीं है ओवर द नाइट या इन फ्यू डेज कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं दे सकती. कोई केमिकल या कोई तेजाब या कोई ऐसी जादू तो है नहीं कि लगाएंगे दो दिन बाद गोरे हो जाएंगे. आपको टाइम देना पड़ता है और उसको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जहन में ये होता है कि हम कुछ करेंगे और हम अपनी एज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएंगे. प्रोडक्ट आपको आपकी एज को रोकती हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करती हैं, आपकी स्किन की कंडीशन को बेहतर करती हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली. उसके लिए टाइम चाहिए और डेली रूटीन केयर चाहिए. वो लोग जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जो एक ऐसा रिजल्ट चाहते हैं जो उनको लगे कि नोटिसेबल चेंज है और आप अपनी एज से पीछे हो गए हैं या आप को स्टॉप लग गया है, मतलब फुल स्टॉप लग गया है, उसके लिए जो है ना इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स होते हैं. लाइक बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, हाइफू हो गया, आरएफ हो गया, लेजर्स हैं, पील्स हैं, और उससे भी ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट होता है वो हमारा इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स का होता है. इट्स नॉट अ सर्जरी. इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ये लाइक आदि से भी आपने कहा बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड लिफ्ट है, ये इंतहाई एक्सीलेंट ट्रीटमेंट्स है. करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए. आजकल सब ने इंजेक्शन हाथ में उठा लिया तो ऐसा नहीं है, जैसे अभी आपने डॉक्टर नाजिया का नाम लिया. तो अगर प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं वो बहुत कहना चाहिए प्रॉपर प्रोफेशनली कर रहे होते हैं. वो पूरे फेस को या आपकी बॉडी को देख के जो है आपका जो भी इशू होता है, चाहे वो फेस का हो चाहे हेयर्स का हो. अच्छा, ये जो प्रोसीजर्स है सिर्फ फेस पे नहीं होते, पूरी बॉडी पे होते हैं, सर पे बालों पे भी होते हैं, फेस पे भी होते हैं, बॉडी पे भी होते हैं. जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है और आप इंस्टेंट रिजल्ट चाह रहे हैं उसके लिए आपको प्रोसीजर्स पे जाना चाहिए. बहुत अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं जो रिवर्स आपको गेयर लगाते हैं तो उसके लिए इंजेक्टेबल रिजल्ट वो होते हैं प्रोसीजर्स, वरना नॉन इन्वेजिव जो होते हैं लाइक जो प्रोसीजर डिफरेंट सेशंस के साथ होते हैं वो है. और इन सबको मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए. और अगर आप चाहते हैं कि आप इंजेक्टेबल्स पे नहीं जाए तो शुरू से जो है 20 साल के बाद से आप अच्छी प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए, अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, अपने स्किन की केयर, अपने हेल्थ की केयर, अपनी डाइट की केयर रखना शुरू कर दीजिए. तो एजिंग आप आएगी नहीं, आपकी स्किन कभी डैमेज ही नहीं होगी, तो आपको इस तरह के ट्रीटमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं आएगी. बहुत ज़बरदस्त. अपना पहले से ख्याल रखेंगे, स्किन को क्लीन करेंगे, स्किन पे आप अपना जो वक्त है हम दूसरी चीज़ों पे देते हैं तो स्किन पे देंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं होगी. ये बहुत ही अच्छी आपने बात की. मैंने आपके प्रोडक्ट में फेस वॉश भी बहुत यूज़ किए हुए हैं, मैंने खुद ने भी यूज़ किए हुए हैं. फेस वॉश के
उसके भी बारे में बता दी, क्योंकि फेस वॉश ऐसी चीज है कि डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, बल्कि दिन में 2-3 दफा भी हम इसे यूज कर रहे होते हैं। कौन से स्किन पे कौन सा फेस वॉश यूज होना चाहिए, या ऐसा होता है कि कोई भी फेस वॉश ले लो और घर इस्तेमाल करें, ये ठीक बात है या आपको अपनी स्किन को एडजस्ट करके फेस वॉश का इंतखाब करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो होता है आपका प्रोटेक्टिव, एक आपका लाइक केयर होती है, यानी आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपनी स्किन को क्योर कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो उसके लिए डिफरेंट फेस वॉशेज होते हैं जो कि आपको एक थोड़े से टाइम के लिए लगाने होते हैं, आपका प्रॉब्लम सही हो जाता है, देन आप उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, जो रूटीन केयर के फेस वॉशेज होते हैं वो अलग होते हैं, जो कि आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल फेस वॉश होता है वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसमें भी आपकी स्किन इसलिए कि अब डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज आ गई हैं, तो आपको अपनी स्किन को समझना और देखना बहुत जरूरी होता है। कोरामी के जो फेस वॉशेज हैं उसमें 3 तरह के फेस वॉश बहुत खास हैं और बहुत ही लोग पसंद कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी रेंज की चल रहे हैं। पहली बात इसकी जो मैं बताऊं आपको, उसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, लाइक ये प्योर हर्ब्स के साथ, एसेंशियल ऑयल्स के साथ बने हुए हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि प्योर एसेंशियल ऑयल्स एंड मतलब इसके कलर जो है वो भी आर्टिफिशियल कलर दिए, जो हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट होता है। आपको जानती हो फर्क, हर हर्ब का एक रंग निकल रहा होता है, उसका एक एरोमा होता है, ये उसके साथ बनाया गया। इसमें जो हमारा एक्नी का लेवेगो जेल एक्नी है, ये ब्लू कलर का है, एक्वा कलर का है, और ये एक्नी स्किन के लिए होता है जिनके दाने निकल रहे हैं। अच्छा, दाने सिर्फ टीन एज एक्नी नहीं है, अगर किसी की एक्नी ऑन स्किन है, किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, या किसी की जो गर्मी दाने निकल आते हैं, उन सब के लिए, और गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब के लिए लेवेगो डेल एक्नी जो एक्सीलेंट है, ये अपना मिंट के साथ होता है और कूलिंग इफेक्ट लिए हुए होता है, आपकी एक्नी को कंट्रोल करता है और बाकी जो है आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। सर्दियों में थोड़ा सा सर्दी लगती है इसलिए ठंडा होता है। देन इसके बाद हमारा मैकलॉस है, मैकलॉस जो है हमारा सेफ्रॉन वॉश है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेग्रेंस नहीं है, जस्ट सेफ्रॉन का एक्सट्रैक्ट है ये पूरा 100%। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसमें सैफरान है, इसको आप जनरली यूज कर सकते हैं। ये जो है आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्किन को फ्लॉलेस करता है, स्मूथ करता है, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये स्किन वाले करेंगे। एमबी ग्लो जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वॉश है, और ये पिगमेंटेशन के लिए, टू टोन स्किन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो हर्ब है ये बहुत ही खास हर्ब है, तिब्बे नबी में ये बहुत अहमियत रखती है, और इसको इसके एक्सट्रैक्ट के साथ, इसकी फ्रेग्रेंस इसके अंदर मौजूद है, और जिसको इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स मौजूद हैं वो खास पिगमेंटेशन पे काम करते हैं, आपकी स्किन को एक सॉफ्ट कहना चाहिए टेक्स्चर देते हैं, स्मूथ करते हैं, और ये तीनों जो है पोर्स को मिनिमाइज करते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम फेस वॉश यूज करते हैं स्किन ड्राई होने लगती है, तो फेस यहाँ पे चीज क्लियर करना चाहूंगी कि फेस वॉश जो है एक चेन की सूरत में बना हुआ होता है, जब उसका जो कहना चाहिए कंपाउंड है वो एक चेन बनी हुई होती है जो अंदर जाके सारा डर्ट एंड ऑयल खींचती है। आपको जो भी फेस वॉश यूज करें, कोरामी व्हाटएवर जो भी है, आपने प्रॉपर वॉश करना है। वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो सिंपल कोई सा भी मॉइस्चराइजर आपने लगाना है। फेस वॉश का काम क्लींजिंग करना है, आपकी स्किन को क्लीन करना है। एक फेस वॉश दुनिया का सारा काम कर सकता है, तो ये आपने जरूर अपनी स्किन का समझ के करना है। बहुत जबरदस्त अच्छे प्रोडक्ट है, इसलिए मैं डिटेल्स पूछ रही थी कि लोगों को इतनी डिटेल्स मालूम नहीं होती है, वो सर्च कर रहे होते हैं, इतनी डिटेल्स बताने के लिए डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, और वो डॉक्टर जिनका ये प्रोडक्ट है वो इसी तरह से उनको ब्रीफ करते हैं। अच्छा उमेराइन, आपके ये सारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपके ये प्रोडक्ट है, पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, अगर लोगों को मंगवाना हो जो पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो तो किस तरह से, कौन सी वेबसाइट पे जाके किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, किस तरह से ये मंगवा सकते हैं? अच्छा फरा, यकीनन आपके पास इसमें लिखा आ रहा होगा, मेरे फेसबुक का लिंक आ रहा होगा, फेसबुक के साथ जो है हमारा कुरानी का आपका डिटेल आ रही होगी, उसमें जो है वेबसाइट का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, इंस्टा का लिंक है, उसके ऊपर जाके उस पर शॉप भी बनी हुई है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उसमें फ़ोन नंबर भी मौजूद है, उसके ऊपर तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, लैंडलाइन नंबर भी मौजूद है, एंड जो वेबसाइट मौजूद है उसके ऊपर भी ऑप्शन मौजूद है, या मेरे जो चैनल है उसके ऊपर भी ऑप्शन मौजूद है। आपके पास आपके एक्सेस में जो भी चीज़ें, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, आप किसी पे भी जाके जो है आप उसको चेक भी कर सकते हैं, उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अपनी प्रोडक्ट जो है उसको मंगा सकते हैं। जबरदस्त,
क्योंकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। हम भी सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं, देख सकते हैं और तमाम चीज़ों की जितनी भी मदद आपको चाहिए आप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का जवाब भी दे देंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें थी जो खवातीन और लोग भी हजरात भी मर्द हजरात भी चाहते हैं। ब्यूटी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना आपका हक है, हम सबका हक है अपना ख्याल रखना। अगर कोई कहता है कि मैं क्या करूँ अपना ख्याल नहीं रखती, टाइम नहीं मिलता, तो ये बहुत गलत बात है। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? या फिर वो खवातीन ये कहती है जो मैरिड है कि नहीं मेरे शौहर को मैं वैसे ही पसंद हूँ, तो आप यकीन करें आपके शौहर भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे बहुत बोलता है कि नहीं मैं अपने हस्बैंड को तो वैसे ही पसंद हूँ, मुझे वैसे ही प्यार करते हैं, वो तो बेचारे मजबूरी है उनको प्यार करना, लेकिन आप अपने आप का ख्याल रखिए, लेकिन फिर नुकसान हो जाएगा आपका। जरूर प्रोडक्ट को यूज करें, मेरी भी बहुत ज्यादा आदत है कि मैं ऑयल वगैरह यूज करती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते रहते हैं, मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं मुझे अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि मुझे फ्री में मिल जाते हैं सारे, मेरे दोस्त मुझे दे देते हैं तो मैं वो लगा रहा हूँ, मेरी स्किन इतनी अच्छी है अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो सारी चीजें लगाती रहती हूँ, मुझे बहुत फायदा होता है। तो आप भी, आपको फायदा होना चाहिए, आप भी उसे जरूर यूज करें, अप्लाई करें। बहुत सारी बातें तो प्रोडक्ट के हवाले से हुई मेरा ही, और आपके कुछ बातें जनरल में भी हो जाए, क्योंकि आप हमारे हाथ कभी कभार आती हैं, तो मैंने सोचा इधर उधर की बातें भी कर ली जाए थोड़ी सी। अच्छा, किसी ऐसी जगह जाना आपको पड़ जाए, आपने आप वहां जाना है और आप चाहते कि बस बस मैं यहाँ पर है ना इनविजिबल हो जाऊँ, मैं किसी को दिखू ही ना, कौन सी जगह ऐसी है? या ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कभी कभी वाकई जैसे आता है कि आप वैसे इनविजिबल हो जाओ, किसी को ना दिखे, लेकिन जैसे आप इसका आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि आप लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, और वहां पे जाके इनविजिबल होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वहां पे तो हम वाकई इनविजिबल ही हो जाते हैं हर में जाके, कि वो एक कैफियत होती है कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं होती, सबसे खूबसूरत जगह है। और लेकिन कभी कभी ऐसी कैफियत होती है कि आपका दिल चाहता है आप जाएं और मतलब पूरी दुनिया से कट जाएं, आपको कोई ना जान रहा हो या आप किसी को नजर ना आ रहे हो, तो मतलब ऐसी जगह मतलब जाके, तो वो कोई भी जगह हो जहाँ पे मेरे बच्चे मेरे साथ हो, बस मैं हूँ और सुकून एक माहौल हो, टेंशन फ्री। मतलब हमें दुनिया की बड़ी टेंशन होती है कि अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो सबसे पहली जगह तुम्हें पता है कि हरम होते हैं, कि बस इस तरह मैं अल्लाह अभी खुलने वाले होंगे, तो इंशाल्लाह जैसे खुलते हैं तो ख्वाहिश अल्लाह ताला फौरन बुलावा भेज दे और हम फौरन पहुंच जाए, और बस वहां पे जाके तो टेंशन ही नहीं होती, हम वैसे इनविजिबल हो जाते हैं, और वो सबसे प्यारी जगह जहाँ पे जाने के लिए सुकून के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह, और मेरी भी दिल की ख्वाहिश होती है, बल्कि सभी की होती है जो भी अभी बिल्कुल साबित सुन रहे होंगे, मैं भी चला जाऊँ, मुझसे डिस्कस करते रहते हैं, मेरा भी बड़ा दिल चाहता है, लेकिन क्या करें कि बस ये जो अल्लाह ताला की आजमाइश है, जो ये कोरोना आया हुआ है, आजमाइश ही कह रही है इसको, बस आजमाइश, बेशक अल्लाह ताला वो चीजें भी कहते हैं ना, बुरी चीजें ज्यादा रहती नहीं है, तो वो भी चली जाएगी इंशाल्लाह ताला, और तमाम दुनिया में अच्छा एक माहौल हो जाएगा। और वैसे भी अल्लाह पाक का हम मुसलमानों पे तो बड़ा करम है, खास करम है, हमारे साथ मुश्किलें आती हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा, किचन से कितनी दोस्ती है? किससे? किचन से जी। देखो ये अक्सर सारे होस्ट मुझसे ये सवाल पूछते हैं, और अब तो लोगों को रट गया, चाहे वो निदा हो चाहे साहिर और फारा को भी, कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पकाना आता है। तो एक बात पहले लोगों को बता दूं, मैं जब कहती हूँ कि मैं इतने सालों से किचन में नहीं गई, जब से मेरे बच्चे थोड़े समझदार हुए, तो अभी मैं हिसाब लगाती हूँ 15-20 साल होने वाले, 15 साल तो हो गए कि बहुत कम कम जाती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं, मतलब बच्चे ऐसे तो बड़े नहीं हो गए, छोटा बच्चा तो मतलब झूले के अंदर आते खाना पकाना नहीं शुरू कर देता, या उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था, बच्चे तो खुद ही पालने पड़ते, तो सब कुछ बनाया, सब कुछ खिलाया पकाया, लेकिन जब काम में आ गई, मतलब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई, तो बच्चों ने वो चीजें संभाल ली थी, अभी जैसे माशाल्लाह बेटियां हैं, मैं तो माशाल्लाह बेटा भी, तो ये सारा काम करते थे और मुझे करने ही नहीं दिया करते, तो मेरी आदतें इतनी खराब हो गई कि अब तो अगर मैं किसी किचन में चली जाऊं तो बच्चे कहते तबीयत ठीक है आप बाहर निकलिए, हो जाएगा। अच्छा, बच्चे जो बच्चे क्या अम्मी भाभी भी सब कहते अरे क्या हुआ तुम किचन में क्यों आ गई, निकलो 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 बाहर, क्या हुआ कुछ बनाने दो, अरे नहीं 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 तुम्हें जो खाना बता दो तुम्हें मिल जाएगा, तुम बाहर निकलो, तो कोई जाने नहीं देता मुझे किचन में, तो बस दूर दूर से देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, ये पता है घर वालों की मोहब्बत ही होती है, हमारी फैमिली अच्छी फैमिली अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है, और मैंने हमेशा हर बार मैं हर गेस्ट को कहती हूँ कि फैमिली से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, फैमिली से बढ़कर कोई भी आपके आपका दोस्त नहीं है, फैमिली है दूसरे होते हैं,
लेकिन आपकी फैमिली जो है वो आपके दुख सुख की साथी होती है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है तो आपका, क्योंकि दूसरे काम बाद में, पहले सबसे पहले आपकी फैमिली, तो फैमिली को तवज्जो दे सकते हैं। और मैं हमेशा से यही कहती थी कि अगर मेरी फैमिली हुई और मेरी फैमिली ने, मेरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कहा कि तुम्हें काम वाम छोड़ देना, तो मैं तो खुशी खुशी छोड़ दूंगी, मैं तो घर में रहूंगी, मुझे पसंद भी घर में रहना। तो जो लोग हाँ अपने दुनिया के करियर के लिए अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, वो मैं कभी भी उनसे सजेस्ट नहीं करूंगी, उनकी ये बेवकूफ़ी है, उनकी समझदारी नहीं है। तो अपनी फैमिली को करे टाइम से, तो ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। अच्छा, हमारे प्रेसिडेंट से आपसे मिलने का मौका मिल जाए, हमारे क्या, हमारे प्रेसिडेंट तो बहुत प्यारे हैं, कभी भी किसी से मिल लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कौन सी विश पूरी करवाना चाहेंगी? वैसे तो बहुत सारी विशेज हम उनसे पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन एक उम्र राहिल क्या पूरी करवाना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हो, प्रेसिडेंट की बात कर रही हो, देखो कंप्लेन ज़रूर, इसलिए कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किलात है और आसान नहीं। बट विश अगर पूरी करवाने की बात है तो सिस्टम को थोड़ा बेहतर करवाना, इसलिए कि हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, पूरे कम्युनिटी सिस्टम जिसे कहते हैं, या सराउंडिंग्स कह लो, कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी है या रोड्स हैं या जॉब का सिलसिला है, कुछ चीज़ें अगर प्रॉपर मैनेज हो जाएं तो शायद हमारा हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो सकता है। और उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तुम्हें पता है हर जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो लोग कुछ हट जाएं और कुछ चीज़ें स्ट्रेट हो जाएं, जो आप कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलना शुरू कर दें हमारे मुल्क में भी अगर, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, एटलीस्ट हमारी न्यू जनरेशन के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है अपने मुल्क को एक अच्छे मतलब लेवल पे लाने के लिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मुश्किल काम दे दिया आपने। यही तो है, और क्या है, हो जाएंगे, और भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह तारा अच्छे काम हो रहे हैं। और हमारे प्रेसिडेंट जो है वो हमारे फेवरेट है, हम सबको पसंद है, हम सब प्यार करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हम उनसे मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम जब भी मिलना चाहे वो मिलते हैं, तो ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, आपका फेवरेट टीवी चैनल कौन सा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, हम दोनों एक तरह से चलते हैं, इसलिए कि ARY, इसलिए कि इंट्रोड्यूस ARY ने करवाया था, और ARY लाइक फैमिली की तरह, मतलब ARY जो GMP है वो लाइक माय फैमिली है, कि हर खुशी में, हर गम में, हर मौके में, जैसे तुम्हें अंदाजा है कि साथ साथ होते हैं। तमाम चैनल्स बहुत अच्छे हैं, तमाम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत कदर करते हैं, लेकिन ARY मुझे लगता है जैसे लाइक होम ग्राउंड कह लो या घर है, तो मेरा फेवरेट चैनल भी फिर वही है। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इतने सालों से, और एक मैं ARY के बारे में ये बिल्कुल अपने दिल से ये बात कहूँगी कि ये लोग किसी की बात सुनते ही नहीं है, उनको जिसको बुलाना है उनको बुलाते हैं, वरना आप अदर चैनल पे जाएं तो वो अपनी टीम की बात सुन रहे होते हैं, और ऐसे कि एक नहीं होता आम वर्ड में कहते खारबाजी जो होती है वो निकाल रहे होते हैं, इसको तो बुलाना ही नहीं, इसको तो करना ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ ARY में नहीं है, पूरी टीम में नहीं है, तो इनके डिसीजन जो है वो एक हाई लेवल हाई चीज पे बैठे वो ले रहे होते हैं और बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो मैं दिल से उनका बहुत उनकी इज्जत एहतराम मैं करती हूँ। मैं तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स में गई हूँ, आउट ऑफ सिटी भी गई हुई हूँ, देसी कुड़ियाँ गई हुई, लेकिन वो रिस्पेक्ट मिलती है जो घरों में लड़कियों को मिल रही होती है, तो वो दिल से दूसरी जगहों पर मिल रही होती है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा इस तरह होता है कि एक आपका एक सर्कल बना होता है, वो किसको बुलाना है, क्या करना है, क्या करना है, वो उनकी टीम होती है। बट ARY इन सारी चीज़ों से हट कर है, वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को लेकर आता है, सिर्फ उन लोगों को लेकर आता है जिनको लोग सीखना चाहते हैं, और जो वाकई में काम करना जानते हैं वो उन लोगों को नहीं लेके आता जो उनको फायदा दे, वो उन लोगों को लेके आते हैं जो लोगों को फायदा दे। तो ये बात है कि तमाम लोग कहते हैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें हो रही हैं। अच्छा, गुस्सा तो सभी को आता है, मुझे भी आता है, सबको गुस्सा आता है, गुस्से का इजहार कैसे करती हैं घर वालों पे? चीख चिल्ला के, खामोश होकर, रो धो कर, या नाराज मुंह बना? गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आता था, अब शायद वक्त ने गुस्से पे कंट्रोल बहुत सिखा दी है, अब गुस्से का इजहार जो है बच्चों पे होता है, उसके अलावा मैं अपना गुस्सा किसी पे नहीं निकालती, सिर्फ वही जैसे कहा फैमिली, एक फैमिली है जो शायद हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती, तो मेरे बच्चे वो शक्ल से अंदाज से समझ जाते हैं कि जी इस वक्त गुस्सा। अच्छा, मैं बड़ा चीखती चिल्लाती हूँ,
में तो मैं इतना चीखती हूँ, हर के अम्मी अबू पे भी चीख लेती हूँ। मेरे अबू कहते हैं कि ये जो है ना हम सबकी अम्मा है, उम्मे है, सबको डांट देती है। तो मैं अपने गुस्से का इजहार सिर्फ घर वालों पे करती हूँ, बाकी दुनिया में मुझे किसी से कोई परवाह नहीं होती। आएगा तब भी जो है वो सिर्फ घर वालों के लिए है, जैसे कि मुझे पता है कि मेरा गुस्सा वो सह भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उसको संभाल भी सकते हैं। तो जो संभाल सकता है सिर्फ सही, उसी पे गुस्सा निकालते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छी बात। भी घर वाले, जो मैंने पहले ही कहा कि उनसे ज्यादा तो बढ़ के प्यार करने वाला कोई भी नहीं होता, और हर किसी का गुस्सा निकालने का एक तरीका होता है। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा होता कि पहले बड़ा गुस्सा निकाल, मैं इतना गुस्सा नहीं निकालती, मेरी कम आदत, लोगों को लगता है कि मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ क्योंकि मेरे बात से स्टाइल कुछ ऐसा है। लेकिन मैं, मेरी एक बहुत अच्छी बात है, मेरी आई तो जानती है कि मैं जो बात कहनी होती है वो हंस के कह देती हूँ, तो मैं अपने दिल में रखती ही नहीं हूँ, मेरे दिल की बोझ मेरा उतर जाता है। मैं बता देती हूँ सामने वालों को तुमने क्या किया था मेरे साथ, और मैं हंस के बताती हूँ, वो तो दांतों में उंगली ले लेता है लेकिन मेरी बात हो जाती है। तो मेरा एक स्टाइल है, और मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है कि देखो आप किसी की कोई बात, आप किसी ने कही है तो आप अपने दिल में क्यों रखो, रख रख के आप घुटते रहो और आप क्यों टेंशन लो। लेकिन अब वो मेरी ये वाली आदत भी थोड़ी सी खत्म होती जा रही है कि मैं वो नहीं करती। मैं कहती हूँ करने को, जिसको जो करना है, जिसको अल्लाह ने नवाजना है वो अल्लाह उसको नवाजेगा। तो बात सारी होती है वही, मेरा आपकी वाली बात, तो सारी दुनिया इस बात से अग्री करती है कि अल्लाह की जात पे भरोसा हो जाए तो दुनिया कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी बोल ले, कुछ हमें भी इससे कोई कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ट्रू। अच्छा, आप तो, आप हेल्पलेस ना होती तो अच्छी माँ होती तो मुझे बताइए, अब आपका जवाब होगा मैं अच्छी माँ होती। इसके अलावा क्या काम करती है, अगर हेल्पलेस ना होती, नेचुरोपैथ ना होती, क्लिनिक ना होता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला बढ़ाए चढ़ाए, मेरी दुआ है। लेकिन फिर भी कोई होता है ना बंदा ये काम करता, जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं एक शेफ ना होती, अभी तो मैं हेल्पलेस बन रही हूँ, लास्ट ईयर है, तो फिर मैं एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन होती, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मैं सर्टिफाइड भी हूँ, मैं सब कुछ, मैं बहुत बड़ा, मेरा एक तो मेरी ख्वाहिश भी है अच्छा सा पार्लर सलून अपना रन करो। तो आपकी क्या ख्वाहिश होती है, आप क्या करती हैं? ख्वाहिश की तो बात एक बड़ी अलग सी चीज़ हो जाएगी। सिर्फ ख्वाहिशात तो बहुत सारी होती हैं, और ये नेचुरोपैथी में आने से पहले, पढ़ने से पहले जो है मैं मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और एक बहुत बड़ा सेटअप था जिसके अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग, ये मतलब मेरे हर्बलिस्ट बनने से, नेचुरोपैथ बनने से पहले की बात है। मैं अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में थी, और पूरी जो है यूँ समझ लो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है टेक्निकल एडवाइजर थी, तो वही करती थी। लेकिन सच्ची बात है फरा कि मुझे कभी भी कोई बहुत शौक नहीं रहा काम करने का। ये तो एक हालात थे या अल्लाह ने कुछ लिखा था, तो इस पढ़ने का शौक था। और इसे मैंने शादी के बाद, बच्चों के बाद पढ़ा था, उससे पहले तो सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन किया और शादी हो गई, लेकिन सब मैंने शादी के बाद पढ़ा था, शादी के बाद भी बच्चों के बाद पढ़ा था। तो अगर अगर सोचे कोई कि वैसे बचपन वाली बात देखी जाए, तो मुझे सिर्फ यही था कि मैं ऐसी कोई चीज करूँ जो लोगों को फायदा पहुंचाए। जैसे उसमें लाइक अपना डॉक्टर ही था, और उसके अलावा एक जमाने में मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था, मैंने की भी थी, और वो बहुत पुरानी बात है, ठीक है, बचपन के शौक थे, और पढ़ने में आ गई तो उस मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। और अगर मैं कुछ नहीं होती तो शायद मैं एक बड़ी मजेदार सी घरेलू औरत होती, इसलिए मुझे इसके अलावा किसी चीज का शौक नहीं। और अभी भी मैं जितना टाइम मिलता है भाग के घर आ जाती है, मुझे नहीं करना बाहर अब बिल्कुल भी नहीं, कि वो ठीक है, अब अल्लाह ताला ने चीज दी है वो हमें करनी है, लेकिन मुझे कोई मतलब मुझे नहीं इतना शौक है, मुझे कुछ करना ही है, कोई करियर होगा, हम कुछ बने, नहीं भाई, अल्लाह ताला ने औरत को घर के लिए बनाया है और वो उसकी बेस्ट प्लेस है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी चीजें हैं। अच्छा, आप ईद की तैयारी किस तरह से करती हैं, सोती रहती हैं बच्चियां, तैयारी कर लेती हैं कि जरे अम्मा जी उठ जाएं, आप पूरी भी खा लें, या खुद तैयारी करती हैं? क्या होता है ईद वाला, क्या होता है तैयारी का? ईद के दिन की अगर बात, ईद के दिन की बात कर रही हो ना, ईद के ईद दिन की वाला बहुत तैयारी होती है, और जब बच्चियां साथ हो तो पता है कि कितना एहतमाम होता है। अच्छा, शुरू से ईद मतलब हमारा त्यौहार है, उसका मैं बहुत एहतमाम करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। अब तो खैर माशाल्लाह बच्चियां कर लेती हैं, लेकिन फिर भी होता है कि पूरे घर की सफाई करना, डेकोरेट करना, शीर खुरमा बनाना, या पकवान जो तैयार करते हैं मीठी ईद के लिए खासकर, तो वो बच्चियां रात को तैयारी करती हैं, बहुत एहतमाम कर रही होती हैं। जो मेरा होता है मैं हाथ बटा देती, लेकिन ये है कि करना है, सुबह मीठा तैयार होना चाहिए, जो हमारा टेबल है वो पूरा सजा हुआ होना चाहिए, इसलिए कि हमारा अल्लाह ताला ने हमें ईद का त्यौहार दिया, उसको मनाने का हुक्म दिया है। तो ये तमाम चीजें बड़े जोर शोर से लाइट्स लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सफाइयां हो रही हैं, और खासकर ईद के दिन का ये कि सुबह सुबह जो है उठ के जो शीर खुरमे का मुझे बहुत शौक है, हमारे बड़ा फेस्टिवल शीर खुरमा बनता है, वो ला
भी तैयार होता है, पहले मैं बनाती थी बनाते, और बकरीद अगर होती है तो उसमें फिर मेरी ड्यूटी होती है सुबह उठ के, बच्चे कहते जी किचन में घुस जाइए, आपकी जिम्मेदारी, तो गोश्त सारा संभालना, सारे हिस्से बनाना, उनको पैकेट बना के रखना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, बाकी मैं कहती पकाओ तुम लोग खुद। तो इस तरह से मिलके अच्छा करते हैं, लेकिन ये दो त्योहार हैं जो कि बड़े मसरूफ और बड़े खुशगवार गुजरते हैं। जी, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो आज वो सारी बातें लोगों को पता लग रही हैं जो लोग नहीं जानते, हमने उम्मीद आई से अंदर की बातें, अंदर की बातें निकलवाई है कि भाई वो घर में क्या करती है, डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, टेक्निशियन भी बहुत अच्छी रहती है, घर में एक्चुअली वो क्या करती है। तो हमने आपको बताया कि घर में जनाब भी काम भी करती है, ऐसा जरूर नहीं होता कि टीवी पे दिखा रहे हैं वो काम नहीं करते। मैं भी काम कर रही होती हूँ, मैं रूम साफ कर रही होती हूँ, मुझे बड़ी जल्दी होती है हर काम की। तो मिराइल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा तो हमें कुरानी के बारे में जो डिटेल्स आपने हमें दी उसके बारे में बहुत अच्छा लगा, लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली कि कुरानी किस तरह से वर्क करता है, बहुत अच्छा है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। आप थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और भी अच्छी अच्छी बातें की। तो इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी इंटरव्यू करेंगे, फिर आपकी और चीज़ें लेकर आएंगे, हम आपका इंशाल्लाह क्लिनिक भी विजिट करेंगे, वहां पर भी जाके सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि किस तरह काम होता है, बहुत सारी मशीनरीज भी हैं, हाईस्कूल भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उस डिटेल के साथ भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो एक बार तहे दिल से ऑस्ट्रेलिया की तमाम लोगों की तरफ से, पूरी दुनिया के तमाम लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, और मेरी रवायत की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया इतनी मुफीद हमसे बात। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। जी, लास्ट में आप कुछ कहना चाहें, सॉरी लास्ट में कुछ पैगाम हाँ, बिल्कुल, नहीं देना। नहीं नहीं बिल्कुल, बल्कि पैगाम तो खैर नहीं देना, लेकिन एक आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि मतलब इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे शोज हम करते हैं, लेकिन शायद दोस्ती भी है, तुम्हारा एक अपना अंदाज है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, और बड़ा मजा आया, बिल्कुल लग रहा था इसमें अब तुम्हारे साथ घर में बैठी बातें कर रही हूँ। और बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत सारी कामयाबी अता करे और बहुत खुशियों भरी और कामयाब जिंदगी अता फरमाए। जजा कला आमीन सुमामीन, बहुत अच्छी दुआ के साथ हमें किसी गेस्ट ने आज रुख्सत किया, और मेरे दोस्त से तो दुआ तो देगी, वैसे वैसे सारे गेस्ट हमें दुआ देते हैं, लेकिन कुछ दुआएं जो कि वो दिल को लगती हैं और आसमान से फौरन कबूल हो जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया कि उसकी दुआ देने के लिए हमारी पूरी टीम को और पूरे मुस्लिम उम्मा को, क्योंकि इस पर दुआओं की जरूरत है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है, आपकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार हमें मिलता रहता है, और हमारी भी दुआएं प्यार आपके लिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमारे साथ गेस्ट होंगे, आपके साथ भी गेस्ट होंगे, तो इंतजार कीजिए और हमें मदद कीजिए। अल्लाह। Think Hire Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course or provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes,
coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Hire Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/ThinkHireConsultants. Twitter/ThinkHireHouse. Instagram/ThinkHireConsultants.